तो दोस्तों अभी भैया जो उसके तेल लगा रहे हैं, देख सकते हो अभी दोपहर का समय और फिर अभी तेल लगा रहे हैं। सुबह से लगा था ना भैया? सभी दोस्तों क्या कमर के दर्द दर्द अभी हो रहा है। रीढ़ में जो रीढ़ की हड्डी है बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है। हाँ, शाम को ही हम तेल लगा के मने थे, अभी इतना समय मालिश कर रहे थे और अभी भी दर्द कर रहा है। अभी दर्द कर रहा दोस्तों, यही अच्छा हुआ कि पेट के बल नहीं गिरी, जो है पानी गिरा था। एक बच्चा था सब्सक्राइबर आए थे तो उनका एक बच्चा था, वही शायद पानी गिरा दिया था और रूम में आ रहे थे कपड़ा चेंज करने के लिए, पहनने के लिए तैयार होकर चल रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो हम बाहर ही बात कर रहे थे, भैया से अंदर आई उसके बाद पानी गिराया था बच्चा, उसके बाद पानी पे पैर पड़ा, इनका फिसल गया। पैर फिसलने से दोनों पैर इस तरह एकदम फिसल गए, ऐसे ही गिरी। उसके बाद यहाँ पे पेट में पूरा चिल्लिक रहा था, जोर जोर से चिल्लिकने लगा। उसके बाद चिल्लाने लगी तो हम बाहर ही थे, हम सोचे क्या हो गया, हम सोचे करंट मार दिए क्या, क्योंकि इतना सारा चीज़ देखिए, यहीं पे कूलर, यहीं पे पंखा, यहीं पे लाइट, सब चीज़ यहीं पर इंतजाम रहता है। इसकी वजह से फिर हम पूरा घबरा गए कि किसी को लाइट तो नहीं मार दिया, और फ्रिज में कभी भी लाइन मार दिया। लाला चिल्ला रही थी, एकदम संपात नहीं थी, बोल रहे लाला लाला बहुत दर्द करता, एकदम पूरा संपात गए हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए वीडियो हम नहीं बना रहे थे, मोबाइल हम इसी तरह ही फेंके बेड पे और 300 महीने मोबाइल उठा के वीडियो बना दिए थे और वीडियो अपलोड नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत दर्दनाक हादसा था दोस्तों। जब लोग आँख बंद करते हैं वही चीज़ नज़र आता है, आँख बंद करते वही चीज़। हाँ, लोग कहेंगे दर्दनाक घटना कही थी, लोग कह रहे हैं देखिए घटना घटी है, कुछ लोग हैं, बहुत लोग नहीं हैं, जो जानकार हैं वो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे थे कि हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए तो वीडियो बना रहा है। दोस्तों वीडियो नहीं बना रहे थे, वो 6 मिनट का वीड़ियो था, 6 मिनट तक तड़फड़ा रही थी और इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था, जितना तेज़ चिल्ला रही थी उससे ज़्यादा भी तेज़ बारिश हो रही थी। फिर भी आशा वाली थी, उनके पास फ़ोन कर रहे थे, वो भी रिसीव नहीं कर रही, भैया वाले पास फ़ोन कर रहे हैं तो भी उधर से क्या कर सकते हैं, क्योंकि बारिश थी। तो बाबू तुरंत गाड़ी खाया, भीगते भीगते गए आशा वाली के पास, वो भी घर पर नहीं थी, कहीं गए रिश्तेदारी में। तो दोस्तों यहीं पर बगल में हॉस्पिटल है वंदना, वहाँ पर कोई बोला कि वहाँ पर ले चलो, वहाँ पर कभी गए हुए नहीं दोस्तों, शायद पता नहीं, एक विश्वास होता है हॉस्पिटल पे। तो बारिश तुरंत दीदी आई घर से, फोन की दीदी आई, उसके बाद तुरंत ही बारिश बंद की बस तुरंत ही हम लेकर गए चार गाँव हॉस्पिटल, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड निकाले, अल्ट्रासाउंड 800 रुपये लगा तो अल्ट्रासाउंड है मतलब निकल गया कि बेबी को कुछ नहीं हुआ है, इनको भी कुछ नहीं हुआ है, बस शरीर में भी इनको चोट लगा है। तो डॉक्टर साहब बोले कि दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी इच्छा करें तो ले सकते हैं। तो इनसे पूछे कि नहीं रहने दीजिए दवा का, क्योंकि दोस्तों देखिए बेबी है पेट में ना, दवा वा उतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और सभी लोग कह रहे हैं इनको खान पीन पे ध्यान दीजिए, खान पीन पे दोस्तों हमेशा ध्यान देते रहते हैं, हमारे फ्रिज में सब चीज़ फल फूल हमेशा भरा रहता है, सब्सक्राइबर आते हैं लेकर आते हैं, कोई अनार लेके आता है, कोई केला लेके आता है, सब चीज़ आता रहता है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेकर आते हैं। हाँ, हमेशा हमारे घर में फल, हमेशा फल और मिठाई हमेशा रहती है, तो खाती नहीं है, मेन चीज़ खाना होता, फल फूल खाने से कुछ नहीं होगा, मेन चीज़ खाना जो चीज़ देता है वो चीज़ फल फूल नहीं दे पाए, हम तो यही जानते हैं। क्योंकि देखिए हम बहुत दुबले पतले थे दोस्तों, पहला वाला वीडियो देखेंगे मेरा बहुत, हम देखें बहुत पतले, लेकिन खाना इतना खाने लगे कि मोटे होते, तो अभी मालिश कर रहे दोस्तों, पता चला भैया भाभी आए वीडियो देखे, अभी बात हुई तो सुबह कह रहे थे शाम तक आएंगे, तो काम भी वहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो बोले थे रहने दीजिए अभी आने के लिए, ठीक है तबियत मस्त है। चलिए दोस्तों यही खत्म कर देते हैं, सालों दिन सो गई हैं, मालिश कर रहे हैं, आराम हो रहा है, ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय।